ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति और आपके राशि के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 27 दिसंबर 2023 की रात्रि में 11:40 पर मंगल वृश्चिक राशि को छोड़कर, यानी आपकी राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 4 फरवरी 2024 तक मंगल धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल की बदल रही चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है, वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव डालने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि के जातकों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल को साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, नेतृत्व क्षमता, अचल संपत्ति, रोग, भूमि भवन, विज्ञान, सौतेली मां, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। कुंडली पर अगर मंगल बलवान अवस्था में विराजित हो, यानी राशि के तीसरे भाव, छठवें भाव, दसवें भाव और एकादश भाव पर मंगल अगर विराजित हो और शुभ अवस्था में विराजित हो, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए और शनि राहु केतु के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो बलि मंगल के प्रभाव से इच्छा शक्ति, लीडरशिप क्षमता और मन में उत्साह देखने के लिए मिलता है। कुंडली पर मंगल बलवान होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता और सामर्थ्य देखने के लिए मिलती है। बलवान मंगल के प्रभाव से साहस देखने के लिए मिलता है। शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कामों में पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों में, वहीं स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। मंगल के पीड़ित होने पर चमड़ी के रोग, आंखों में समस्याएं, बीपी की समस्या, ब्लड जनित बीमारी, हाथ पैर जल जाना, मलेरिया की बीमारी, फोड़े फुंसी की समस्या होती है। वहीं मंगल अगर पीड़ित होते हैं तो गर्भपात भी करवाते हैं। ये सारी समस्याएं मंगल के पीड़ित होने पर मिलती है। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो मांगलिक दोष का भी निर्माण होता है, इसकी वजह से वैवाहिक उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है या तो वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना भी करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लगन और छठवें भाव के स्वामी मंगल होकर 27 दिसंबर को आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के दूसरे घर से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो आपके द्वितीय भाव पर मंगल इन 45 दिनों में रहने वाले हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके संतान भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि आपके आयु भाव पर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि वृश्चिक राशि वाले जातकों के भाग्य भाव पर जाने वाली है। मंगल के इस परिवर्तन से कई प्रकार का मिला जुला प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले मंगल आपके भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, तो पिछले समय में यदि आप अपने जीवन में लगातार प्लानिंग करके प्रयास कर रहे हैं और करियर के मामले में यदि आपको लगातार उतार चढ़ाव मिल रहा है,
यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में उपलब्धि और सफलता मिलने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में जो जातक पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में, रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में, डेंटिस्ट हैं, जेलर हैं, फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, तो मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन में अच्छा प्रभाव दे सकता है। मंगल के इस परिवर्तन से जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं, उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को अचानक बड़ी सफलता के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समयावधि में सुख सुविधाओं की ओर आपका जुड़ाव रहेगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने में आप सफल ज्यादा रहने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन के दृष्टिकोण से मंगल आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक जो संतान के मामले में असुरक्षित हैं, संतान को लेकर परेशान हैं, मंगल के ही शुभ प्रभाव से संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि समयावधि में जो जातक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, उनके मन में भ्रम की स्थितियां भी निर्मित होने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, मंगल आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी होंगे। द्वितीय भाव से भाषण और वाणी के बारे में विचार करते हैं, ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपको वाद विवाद और कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है और द्वितीय भाव पर जब मंगल का गोचर होगा, इन 45 दिनों की समयावधि में आप कड़वे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या आपके शब्दों का गलत मतलब परिवार में निकाला जा सकता है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन में नपे तुले शब्दों का आपको ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। मंगल का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है। वर्तमान समय में तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का आपको जरूर पालन करना है। आपको टू व्हीलर व्हीकल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। फोर व्हीलर व्हीकल चलाते समय आपको सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह समय आपके जीवन में काफी उत्तम परिणाम देगा और आपको काफी श्रेष्ठ परिणाम भी दे सकता है। इस प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना वृश्चिक राशि के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मंगल जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए बंदरों में केले, गुड़, चने, इन चीजों को यदि आप डालते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। मंगल जनित शुभता को अर्जित करने के लिए मंगल का बीज मंत्र, वैदिक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और आपको इससे काफी बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।